हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अक्सर मैं आपके पास शिक्षावृत्ति से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूँ और लगातार बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। नए सत्र में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हमारे सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों की कमी अब दूर की जाएगी और जल्दी नए शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये न्यूज आप सुने दोस्तों, और ये न्यूज के हकदार आप ही हैं, क्योंकि लगातार आपके संघर्ष और प्रयास से ये सफलता मिली है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दिल से थैंक्स, ये न्यूज जरूर सुने जो कि हमारे लिए सुखद न्यूज है। 10,000 तक का लोन मिलता है। 22,670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही शिक्षकों की भर्ती भी शुरू होगी। सीएम ने ये दो बड़े ऐलान किए, जिसका बेसब्री से मेडिकल फील्ड से और साथ ही शिक्षक वर्ग से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, उसके पद भरे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ 22,670 जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी बीच में, उसको भी हमने तत्काल प्रारंभ कर दिया है, ताकि हम रिक्त पदों को भरकर शिक्षा की व्यवस्था को भी सुचारू कर सके और हमारे नौजवान को रोजगार भी मिल सके। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो रोजगार के अवसरों पर पड़ा है। यद्यपि इस दूसरी लहर के बीच भी मध्यप्रदेश में हमने लगातार कोशिश की, जितने स्ट्रीट वेंडर थे उनके खाते में पैसा डाला, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के जो हमारे मजदूर थे उनके खाते में पैसा डाला, किसानों के खाते में पैसा डाला, लेकिन केवल पैसा डालना समाधान नहीं, रोजगार के अवसरों को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए सरकार में आते ही हमने ये कोशिश प्रारंभ की थी कि एक तरफ स्वरोजगार की योजनाओं पर हम काम करें, इसलिए स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगी और हम जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपए का बिना गारंटी का गारंटी सरकार लेगी और बिना ब्याज का लोन दिलाते रहेंगे, ताकि उनके काम काज